शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर शेयर बाजार का अपडेट, कम्युनिटी बाजार का अपडेट और इसके साथ साथ आज का राशिफल। शुरुआत करेंगे आज के राशिफल से और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। शुभ अखिलेश शाटी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय जी हूँ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो आज 22 मार्च 2022 से रिले हो रहा है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज में होने वाली हलचल और शेयर बाजार के अंदर क्या रहेगी गतिविधि, इसके अतिरिक्त नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या तेजी मंदी रहेगी। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। गौरतलब है कि एक ही बाजार, एक ही मंडी और एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले अनेक लोग अलग अलग तरीके से उनकी कमाई होती है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं कमा पाते, कुछ लोग बहुत कमा लेते हैं और कुछ लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी सिर्फ दाल रोटी निकाल पाते हैं, मिलानी यानी मध्यम रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्किंग प्लेस एक है, व्यापार का प्लेस है, कमोडिटी एक है, लेकिन सबका कमाई अलग अलग क्यों होती है? यद्यपि कई बार ऐसा दिखने में भी आता है कि इन्वेस्टमेंट लगभग बराबर होता है लेकिन उसके बाद कमाई सबकी अलग अलग हो जाती है। तो इसके अंदर भारतीय ज्योतिष का एक अद्भुत फार्मूला है कि बैलेंसिंग ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट के आधार पर यदि आप निर्धारित करेंगे कि किसको क्या चीज है, यदि उससे संबंधित काम करेंगे तो आपका मुनाफा कमाने की अधिक संभावना हो जाती है। मिसाल के तौर पर यदि अग्नि तत्व के व्यक्ति अग्नि तत्व की राशियों, अग्नि तत्व की कमोडिटीज में काम करेंगे, अग्नि तत्व की व्यक्ति वायु तत्व की कमोडिटी में काम करेंगे या उससे संबंधित काम करेंगे या उससे संबंधित नौकरी पेशा में जाएंगे तो वहां पर उनकी सफलता के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत यदि अग्नि तत्व जल तत्व की राशियों में काम करेगा, जल तत्व की कमोडिटियों में काम करेगा तो वहां पे वो परेशानियों का सबब उठा सकता है। अतः भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। 2 से 3 बजे के बीच में आपको अधिक सावधानी रखनी है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6 और 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, लाभ कमा सकते हैं। 3 से 4 बजे के बीच में आपको अधिक सावधानी रखनी है। 3, 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आज निश्चित रूप की तरफ इशारा है, 12 से 1 बजे के बीच में अधिक सावधानी रखिए। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, दिन आपके लिए समझौता मोटी न हो, परेशानी आ सकती है, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, विशेष 1 से 2 बजे के बीच स्क्रीन छोड़ के कहीं जाइए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से अगर आप कम्युनिटी बाजार की, तो कम्युनिटी बाजार में विशेष करके आज कृषि फसलों में क्या संभावना है, अगर शुरुआत अगर धनिया से करें तो? धनिया की जैसे मैंने आपको कहा था, इस बार फंडामेंटल बहुत मजबूत मुझे नजर आ रहे हैं इसकी फसल के अंदर भी, और जो डिमांड जो आ रही है उसको देखते हुए धनिया के अंदर जो हाजिर के व्यापारी हैं या कारोबारी हैं वो धनिया को स्टॉक कर सकते हैं। धनिया के अंदर अच्छी तेजी की संभावना आने वाले कुछ समय में बन सकती है। और जहां तक इंटर डे ट्रेडिंग का सवाल है यानी दैनिक तेजी मंदी की बात करते हैं, तो अभी जो धनिया है वो 8,800 से ऊपर का स्तर छू सकता है और उससे भी तेजी दिखा सकता है। तो धनिया के अंदर आप खरीदारी करके चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको शॉर्ट करने से बचना चाहिए। इसी के साथ कर्नल अजय जी, जीरे में क्या लगता है, क्या जीरे में भी ऐसी तेजी बनेगी? देखिए, मसाला पैक के अंदर आपको याद होगा, हमने मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में यही कहा था कि
कि मसाला इस बार अच्छी एक मूवमेंट दे सकता है, चाहे वो लाल मिर्च हो, जीरा हो, धनिया हो, और ये देखने में भी आ रहा है लगातार देखिए कि जीरे के अंदर उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन उससे नीचे जाने के बाद जीरा पुनः अपने स्थान पकड़ लेता है, तो जीरे के अंदर भी आज तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जीरे में तेजी की संभावना है। इसके अतिरिक्त लाल मिर्च के अंदर भी अच्छी तेजी बन रही है, आपको पहले भी हमने आगाह किया था कि इस बार लाल मिर्च अपना सुर्ख रंग दिखा सकती है और लाल मिर्च ने अच्छी मूवमेंट भी दिखाई दे रही है, और खासकर विशेषकर दक्षिणी भारत के मसाला मंडियों में लाल मिर्च अच्छी तेजी दिखा रही है और आज के भी इसमें आने की तेजी रहने की संभावना बनती है। जी अखिलेश जी, जी इसी के साथ कनर जी कपास खली की बात करें तो कपास खली में आपको क्या लगता है, क्योंकि कपास खली में देख रहे हैं कि सीमित दायरे में ही कारोबार है, आपको क्या लगता है क्या कपास खली आगे जाके और बढ़त दिखाएगा या फिर यहीं तक सिमट के रह जाएगा? देखिए कपास खली को पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बार कपास का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा घटा नहीं है जी। सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो उसको आप ये समझने वाली बात है कि इस बार 3,61,00,000 गांठे जो कॉटन पीसीआई ने दी थी और उसके बाद में फिर उसका अपना अनुमान भी घटाया करीबन 12,00,000 बेल्ट का, और इसका पूरा अनुमान हमने 2021 पिछले साल सितंबर अक्टूबर में मैं आपको एडवांस में दे दिया था। अब इसमें समझने की बात यह है कि कपास लेकिन फिर भी कपास के दाम ऊंचे क्यों हुए, महत्वपूर्ण यह रहे कि जो ए ग्रेड की क्वालिटी है कपास की यानी और या बी ग्रेड की क्वालिटी है उसके अंदर बहुत तेजी जारी हुई, लेकिन जो दागी माल है जो पिंक गुलाबी सूंडा या पिंक वॉर्म के वजह से फसल कपास की फसलों को कुछ नुकसान हुआ था उससे दागी माल आ गया था, और दागी माल होने की वजह से अच्छी क्वालिटी का कपास मंडियों में उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जो दागी माल है वो तो उपलब्ध है, तो मेन जो कपास खली का जो रॉ मटेरियल है वो है बिनोला खल, बिनोला जो है उसमें कहीं कोई विशेष कमी नजर नहीं आ रही है, वो बिनोला अपने बस पे है, लेकिन अब समस्या ये है कि कपास के अच्छे दामों के वजह से किसानों ने अच्छी क्वालिटी का जो माल है उसको रोकने का प्रयास किया है, और जिंगर्स भी जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का जो कपास है उसको बेचने में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर जो किसानों ने माल रोक रखा है या ग्रोवर्स ने माल रोक रखा है उसकी वजह से ये बिनोला खल की भी कमी धीरे धीरे महसूस होने लगेगी, क्योंकि जब तक स्टॉक बाजार में नहीं आएगा जिनर्स के पास माल नहीं पहुंचेगा उसमें खल नहीं निकलेगा, उसके अंदर बिनोला नहीं निकलेगा, और बिनोला सीड नहीं निकलेगा तो फिर बिनोला खल कहाँ से निकलेगी, तो महत्वपूर्ण यही है कि इसी वजह से जो ये कहना था कि भाई बिनोला की क्वांटिटी कम है, तो बिनोला की क्वांटिटी कम नहीं हो रही है क्योंकि वो दागी माल तो बाजार में उपलब्ध है ही, क्योंकि हमेशा ये होता है कपास के अंदर कॉटन के अंदर कि हर साल लगभग 70-80% अच्छी क्वालिटी की कपास निकलती है और लेकिन 15-20% हल्की क्वालिटी होती, इस बार गुलाबी सूंडा के वजह से पिंक वॉर्म के वजह से रिवर्स हुआ है, इस बार अच्छी क्वालिटी का माल कम है और दागी माल अधिक है, तो इसी वजह से अच्छी क्वालिटी के दाम कॉटन के आकाश छू रहे हैं, लेकिन चाहे अच्छी कपास क्वालिटी की कपास हो या दागी कपास हो बिनोला तो सब में बराबर निकलेगा उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये कपास खली की जो तेजी मंदी जो वॉलेटिलिटी है उसका वजह ये है। तो कुल मिला के जब आपको याद होगा जब 3400-3500 के आसपास का जब चल रहा था कपास खली का तो हमने यही कहा था कि इसको इस लेवल पे बेचना उचित बनता है, क्योंकि बड़ी तेजी से पहले मंदी आना जरूरी है, क्योंकि हर सांस लंबी सांस लेने से पहले आपको पहले लंबी सांस छोड़नी पड़ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये जो पिछले एक महीने से जो रेनबो एक्टिविटी चल रही है कपास खली के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर अब तेजी की संभावना बनती है और आज भी कपास खली के अंदर मुझे तेजी की संभावना ही अधिक नजर आ रही है। जी कन्हैया जी, इसी के साथ कन्हैया जी सोयाबीन पर आपकी क्या राय रहेगी, सोयाबीन में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन वायदा $1,700 के ऊपर निकल चुका है, तो क्या ऐसे में घरेलू सोयाबीन की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है? देखिए सोयाबीन ने जबरदस्त तेजी दिखाई, आपको याद होगा कि जो सरकार ने सोयाबीन के और रिफाइंड के ऊपर रोक लगाई थी एनसीडीएक्स पर, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि धैर्य रखना चाहिए कि ये
प्रयास जो हैं ये नाकाबिल होंगे। और जब सितंबर अक्टूबर 2021 के अंदर जब इसकी फ्रेश फसल आई थी उस वक्त भी हमने यही कहा था कि जो ये भाव फसल पे है उस मुझे मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 119 लाख टन का जो पैदावार की और 120 लाख टन की पैदावार की जो आंकड़े सोपा ने और सरकार ने जारी किए थे उसके ऊपर भी हमने कहा था कि खपत के बारे में भी बात करनी जरूरी है। कुल मिलाकर सोयाबीन ने पिछले लगभग 1.5 महीने के अंदर जो सोया ऑयल 1010-1020 रुपए एनसीडीएक्स में बिक रहा था वो 1600 से ऊपर के भाव आज बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी तेजी, लगभग 55 से 60% की तेजी, ये ऐतिहासिक तेजी बनी है जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया था। उम्मीद है कि इसमें भरपूर लाभ उठाया होगा। देखिए तेजी आने के बाद तेजी के 50 कारण गिनाने से कोई मतलब नहीं है। मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप एडवांस में तेजी नहीं बोलेंगे, जब तक एडवांस में आप मंदी नहीं बोलेंगे, उस विश्लेषण का कभी भी कोई उपयोग नहीं हो सकता है। अब सोयाबीन के ऊपर मुझे लगता है कि इन स्तरों के ऊपर एक बार माल बुक कर लेना चाहिए। जब सोयाबीन 8000 से ऊपर चला गया था तो मैंने यही कहा था, अभी भी पुनः कह रहा हूँ कि एक बार जब अच्छी तेजी बन जाती है तो उसके अंदर यदि आप मुनाफा वसूल नहीं करते हैं और उसके बाद और सुपर तेजी की उम्मीद करते हैं, सुपर तेजी की उम्मीद करना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन यदि आप टाइमली मुनाफा किसी चीज में वसूल नहीं करते हैं और उसके बाद यदि करेक्शन होता है तो उसके फिर हाथ मल जाना वो बिल्कुल उचित नहीं है। यही कपास खली में हुआ था, यही हमने कपास में बोला था, यही आपको प्याज में बोला था। आपको याद होगा प्याज के अंदर जो जुलाई अगस्त के अंदर बुरी तरह से पिटाई हो रही थी उस वक्त प्याज 500 से 600 रुपए क्विंटल बिक रहा था। हमने यही कहा था कि इसको आप ही माल खरीदिए, जबकि उसको उस टाइम कोई लेने को तैयार नहीं था। वही प्याज अक्टूबर नवंबर के अंदर 3800 से 4000 रुपए क्विंटल हुआ, लगभग 3 से 4 गुना। और ये भी गौरतलब है उस टाइम सरकार ने 2 लाख टन से अधिक प्याज का बफर स्टॉक भी बनाया था, उसके बावजूद भी तेजी आई। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हमने कहा था कि आप यहाँ पे वसूल कर लो प्रॉफिट। तो कहने का मतलब यह है कि यदि फल यदि पेड़ के ऊपर पक जाता है, उसको आप नहीं तोड़ते हो टाइमली, तो या तो पक्षी खाएंगे या फिर एक समय के बाद वो नीचे गिरकर पुनः बीज का काम करेगा। तो यही हाल सोयाबीन में है। सोयाबीन के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करना चाहिए और एटलीस्ट 50-40% तो मुनाफा वसूल करना ही चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। ये अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, जी इसी के साथ कन्हैया जी जी बात करें यहाँ से, अगर हम नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में देख रहे हैं सोने चांदी की कीमतों में उठापटक देखने को मिल रही है, कभी गिरावट तो कभी निचले स्तर से हल्की सी खरीदारी, ऐसी बीच आपको क्या लगता है अब सोने चांदी का बाजार आगे कैसा रह सकता है? देखिए सोने चांदी के ऊपर हमारा पिछले शो में भी हमने आपको जो कहा था वो सत्य साबित बाजारों में हुआ, और अब मुझे लगता है कि सोने चांदी के अंदर जो तेजी आई थी अब इन स्तरों पर मैं मुनाफा वसूल करने की सलाह देता हूँ कि हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर कभी भी सोने और चांदी के अंदर कुछ मुनाफा वसूली आए, क्योंकि हमेशा से ही जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर टाइमली मुनाफा वसूल करना सबसे की पॉइंट होता है, और जो व्यक्ति टाइमली मुनाफा वसूल नहीं कर पाते हैं वो अक्सर परेशानियों में हो जाते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि जब व्यक्ति नुकसान में आता है तो अपने आप को इन्वेस्टर कहने लगता है कि मैं तो इन्वेस्टर हूं, लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा, और जब मुनाफा आता है तो छोटा मुनाफा वो पकड़ लेता है और उसके बाद में फिर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जाता है। तो ये दोनों तरह की जो प्रवृत्ति है इन्वेस्टर और ट्रेडर की जो है ये हमेशा परेशानियों का सबब बन जाती है। तो यही हाल सोने चांदी में है कि जो छोटी अवधि के अंदर जिन्होंने माल लिया है उनको अब मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि 200-250 रुपए के आसपास सोने में तेजी है, चांदी के अंदर भी 500-1 रुपए की तेजी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुनाफा वसूल करना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मत है। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आज क्या संभावनाएं बन रही है, मंदी है या तेजी? स्टॉक मार्केट में याद होगा हमने आपको पिछले शो के अंदर निफ्टी के अंदर और शेयर बाजार जब उस टाइम तेज था उस वक्त यही अपने कहा था कि एनी टाइम आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। और आज देखिए कल और आज के अंदर 2 दिन के अंदर बुरी तरह से पिटाई शेयर बाजार में हुई,
आज भी मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव रहेगा। और लेकिन पिछली बार आपको याद होगा हमने कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा की थी, वेदांता, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपसे चर्चा की थी। यही था कि कोयले के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसमान छू रहे हैं, इसका फायदा कोल इंडिया को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि पिछले 3-4-5 शो के पहले हमने एक शो कहा था कि मार्च और अप्रैल महीने के अंत के समय कोई भी एनर्जी संकट आ सकता है। उस टाइम 20 तारीख से पहले आपको फरवरी में ये चर्चा की थी और कि रूस और यूक्रेन के अंदर एक्शन 21 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है विंटर ओलंपिक के बाद में, और वैसे ही हुआ कि रूस और रशिया के बीच में लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद उसे उसी शो में हमने आपको ये भी कहा था कि एनर्जी संकट यूरोप के अंदर गहरा सकता है और उसका असर पूरे विश्व में पड़ेगा। तो ऐसा सही कुछ आ रहा है कि कोयले की कमी, कोयले के तेज दाम, जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं, प्लांट हैं, उनके पास का कोयला बहुत कम रह गया है और आने वाले 15-20 दिन के अंदर कोई एनर्जी का संकट यानी ऊर्जा का संकट गहरा सकता है, यूरोप में भी गहरा सकता है और इंडिया और बाकी जगह भी इसका गहरा सकता है। तो इसमें इसका विशेष ख्याल रखें और शेयर बाजार पे इसका प्रभाव भी अवश्य पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शेयर बाजार के अंदर बचना चाहिए खरीदारी से, फ्रेश बाइंग के लिए रुकना चाहिए और यही मेरी सलाह रहेगी। जी जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार और आज का आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हेलो, फिलहाल बाजारों के सितारे, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।